श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई महिला देखे गर्भवती होती है तो उसको और उसके परिवार वालों को भी यह जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है कि हमारे घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी, और उसी के हिसाब से वो तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, आज के समय में देखिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा जरूर होती है ये जानने की कि भाई हमारे घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ सटीक ऐसा लक्षण बताने वाली हूँ जो 100% मेरे में बिल्कुल सही साबित हुआ था, और ये बड़े बुजुर्गों का बहुत ही पुराना नुस्खा है और ये बहुत ही सटीक है। ये कह लीजिए कि 90% ये बिल्कुल सही बैठता है, 10% कह सकते हैं कि एक दो महिला में शायद ठीक ना बैठे, लेकिन ये अधिकतर बिल्कुल ठीक बैठता है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बच्चे की हलचल यानी मूवमेंट से और किस तरफ बच्चा मूवमेंट करता है उससे बताने वाले हैं कि आपको बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे ने मूवमेंट देर से शुरू करी है और आपके बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत कम है तो यह बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दूसरी तरफ अगर आपके बच्चे ने मतलब मूवमेंट जल्दी शुरू करी है, अगर उसकी मूवमेंट ज़्यादा है तो यह लड़की होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, साथ ही जो हम आपको सटीक लक्षण बताने वाले हैं, देखिए प्रेगनेंसी के 5वें महीने से अगर आपके बेबी ने मतलब मूवमेंट, अगर उसकी मूवमेंट आपको दाईं तरफ यानी राइट की तरफ फील होती है, राइट की तरफ आपको महसूस होती है तो यह बेटा होने का लक्षण माना जाता है। वहीं पर अगर बच्चे की मूवमेंट आपको लेफ्ट की तरफ महसूस होती है, हलचल महसूस होती है तो यह बेटी होने का लक्षण माना जाता है। साथ ही दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है 6वें 7वें महीने में, अगर उसकी देखिए हलचल उसकी मूवमेंट नाभि से नीचे की तरफ अगर आपको महसूस होती है तो यह बेटा होने का लक्षण माना जाता है। ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है, कम से कम 10 में से 9 महिलाओं पर यह बिल्कुल सही बैठा है, और मेरी प्रेगनेंसी के समय पर भी ये बिल्कुल सही बैठा था कि राइट की तरफ मुझे हलचल महसूस होती थी और जैसे जैसे प्रेगनेंसी मेरी बढ़ती गई तो उसकी जो मूवमेंट है वो मुझे नीचे की तरफ नाभि के नीचे की तरफ महसूस होती थी, नीचे की तरफ मतलब ज़्यादा खिंचाव महसूस होता था और दर्द होता था। दोस्तों, अगर वहीं पर अगर आपको जैसे 7वें 8वें महीने में अपने बच्चे की मूवमेंट नाभि से ऊपर की तरफ अगर महसूस होती है, हलचल महसूस होती है, ज़्यादा आपको उसकी मूवमेंट वहाँ पर फील होती है नाभि से ऊपर तो यह बेटी होने का लक्षण माना जाता है, और ये लक्षण काफ़ी हद तक ये कह लीजिए 90% तक बिल्कुल सही बैठता है। दोस्तों, एक दो केसेस में ये जैसे सही ना बैठा हो, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के समय पर ये बिल्कुल सही बैठता था और ये काफ़ी हद तक मतलब सही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये महसूस होती है यहाँ पर तो आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, देखिए आज के समय में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बनाई गई वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करिएगा। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।